हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मौलिक जैन है और आपका हमारे चैनल नवकार सिस्टम्स पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक लॉक के साथ रिमोट किट के वायरिंग के बारे में, कैसे हमने इसकी वायरिंग करनी है। हमने वायरिंग कर रखी है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वायरिंग बताऊंगा कि हमने कौन सी वायर को कहाँ यूज़ करना है। यहाँ पर हमने एक अडेप्टर लिया हुआ है, 12 वोल्ट का, और इस अडेप्टर की पॉजिटिव और नेगेटिव, अडेप्टर की पॉजिटिव होती है जिसमें कि ये वाइट कलर की लाइनिंग वायर पे दी होती है, इसको पॉजिटिव केबल बोलते हैं, और जो नेगेटिव होती है जिस पे कोई दूसरी वायर को नेगेटिव केबल बोलते हैं। तो पॉजिटिव को हमने प्लस वी में देना है और नेगेटिव को माइनस वी में देना है। पॉजिटिव को प्लस वी और नेगेटिव को माइनस वी के अंदर देना है। अब इसमें हमारे और क्या यूज़ होगा, एनओ और कॉम, एनसी यूज़ नहीं होगा क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक लॉक को यूज़ कर रहे हैं। अगर हम कोई और लॉक यूज़ करते तो उसमें डिफरेंस था। अब हम बात करते हैं अब बिना कंफ्यूज किए हुए, जो हमारा लॉक की एक वायर है उसको हमने कनेक्ट कर दिया है एनओ से। ये देखिए, ये ग्रीन केबल जो है, ये ग्रीन केबल को हमने एनओ से कनेक्ट कर दिया है। ये सेंटर वाला एनओ है, ये देखिए सेंटर वाला एनओ है, तो हमने एनओ से कनेक्ट कर दिया है। और जो हमारा रेड वाली वायर है इसको हमने कॉम के साथ एक हिस्सा, एक सिरा कनेक्ट कर दिया है और दूसरा सिरा पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया है, प्लस वी के साथ एनओ को शॉर्ट कर दिया है। बेसिकली ये हमारी एक रेड वायर है जिससे कि हमने इसको एक हिस्सा एनओ में और दूसरा पॉजिटिव के अंदर। और जो लॉक की एक और वायर है, देखिए येलो कलर की वायर है, इसको हमने इसके रिमोट रिसीवर के नेगेटिव में कनेक्ट कर रखा है। मतलब कि हमने, अब देखिए सिंपल, इसकी सरल भाषा में अगर हम इसको टेक्निकली बात करते हैं, लॉक को हमने नेगेटिव दे रखा है अडेप्टर के थ्रू। अडेप्टर का नेगेटिव भी यहाँ पर है और इसका नेगेटिव भी, बेसिकली लॉक को नेगेटिव मिल रहा है और पॉजिटिव नहीं मिल रहा है, पॉजिटिव आ रहा है एनओ से, और पॉजिटिव को 12 वोल्ट के पॉजिटिव को हमने कॉम में दिया है। तो जब हम सर्किट को ऑन करते हैं रिमोट से तो क्या होता है कि कॉम के थ्रू एनओ से होता हुआ करंट लॉक तक जाता है और लॉक हमारा खुल जाता है। बेसिकली लॉक को एक एक सेकंड के लिए एक पल्स मिलती है और लॉक हमारा खुल जाता है। तो ये क्योंकि ये लॉक कंटिन्यूस पावर नहीं मांगता, जब रिमोट का बटन दबाते हैं उसको एक बस एक सेकंड की पल्स ही होती है, और उस पल से ये लॉक एनर्जाइज हो जाता है, कॉयल एनर्जाइज हो जाती है और लॉक खुल जाता है। अब हम इसको चलाकर देखते हैं, ये हमने लॉक बंद कर दिया और ये देखिए हमारा लॉक खुल गया। तो बेसिकली इसको आप इन्वर्टर पे भी आसानी से यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही इजी टू इंस्टॉलेशन है इसकी। इसके साथ एक ब्लैक बॉक्स आता है छोटे से कवरिंग के लिए, उसमें इसको डाल के आप इसको कहीं पर भी सेफ जगह पर लगा सकते हैं। इसको आपने पानी से बचाना है, जो 12 वोल्ट का अडेप्टर है उसको आपने पानी से बचाना है, रिमोट को भी आपने पानी से बचाना है। सिर्फ लॉक है जिसको कि आप, वेदर प्रूफ है लॉक जिसको कि बारिश के पानी से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक के नाम पर एक कॉयल है छोटी सी, जो कि जब उसको करंट मिलता है 1 सेकंड के लिए वो एनर्जाइज होती है, और उसकी जो बॉल्स होती हैं वो उस एक पत्ती को एक्टिवेट करती हैं, उसके अपनी तरफ खींचती हैं और लॉक खुल जाता है। लॉक में कुछ ख़राब नहीं होता, लॉक हैवी ड्यूटी लॉक होता है और ये अच्छे भारी गेट्स के लिए और छोटे गेट्स के लिए, दोनों के लिए इक्वली गुड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।